छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भाजपा पर पलटवार करते हुए हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश का संविधान देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जासूसी करने वाली पार्टी आज सत्ता पर बैठी है और आज इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के माध्यम से देश के लोगों की जासूसी कर रही है। मोदी सरकार खुद के मंत्रियों, देश की रक्षा करने वाली सुरक्षा कंपनी, राहुल गांधी समेत देश के पत्रकारों सहित कई वरिष्ठ लोगों की जासूसी कर रही है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। मरकाम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। मोदी सरकार देश के संविधान पर हमला बोल रखी है। पेगासस के माध्यम से मोदी सरकार देश के लोगों की जासूसी कर रही है। मोहन मरकाम ने कहा कि ये जासूसी करने वाली इजरायल कंपनी केवल सरकारों को सॉफ्टवेयर बेचती है। डेस्क रिपोर्ट, समय न्यूज। वकीलों, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की उन सब की जासूसी करवा रही है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने स्वयं देश के संविधान पर हमला बोल रखा है, कानून के शासन पर हमला बोल रखा है, मौलिक अधिकारों पर हमला बोल रखा है और संविधान की शपथ जो ली थी सरकार ने उस शपथ को भी दबाकर उस पर भी हमला बोल रखा हो। मोदी सरकार खुद ही इजरायली जासूसी उपकरण पेगासस के माध्यम से ये निरसंस कार्य कर रही है और ये तो और एक सैंपल है। पेगासस सॉफ्टवेयर करता क्या है? ये किसी के भी टेलीफोन में उसकी मर्जी के बगैर उसे हैक करके उस टेलीफोन के कैमरे को हैक कर लेता है, उस सेलफोन के माइक्रोफोन को हैक कर लेता है, उसके सारे पासवर्ड कॉन्टेक्ट लिस्ट को हैक कर लेता है और जो बात आप टेलीफोन पर करते हैं यह टेलीफोन बंद भी हो, जो कैमरा या माइक्रोफोन के माध्यम से सुनी जा सकती है वो भी गैर कानूनी नजायज तरीके से इस पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुनी जा सकती है। देशवासियों, आप में से किसी के टेलीफोन के अंदर भी नाजायज तौर से इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस मोदी सरकार डाल सकती है, आपकी बेटी, आपकी पत्नी के टेलीफोन के अंदर ये डाल सकती है। आप अगर बाथरूम में फोन लेकर जा रहे हैं, अपने कमरे के अंदर शयन कक्ष में आपके फोन है, तो आप क्या वार्तालाप कर रहे हैं, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपका परिवार क्या वार्तालाप कर रहा है, ये वो सब संविधान देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। देश में ऐसी सरकार बैठी है जो लगातार देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। देश के आजादी में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनकी जासूसी अंग्रेजों के माध्यम से जो करते थे वही आज केंद्र सरकार में बैठे हैं। साहेब मन की बात नहीं करते, सुनते हैं छुप छुप कर। देश में संविधान और कानून दोनों की हत्या मोदी सरकार द्वारा कैसे की जा रही है, प्रजातंत्र को पांव तले कैसे रौंदा जा रहा है, देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कैसे दबाया जा रहा है, उसकी व्याख्या लेकर आपके बीच हम आए हैं। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है, मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूसी पार्टी रख देना चाहिए। देश के लोग अब कह रहे हैं अब की बार देशद्रोही जासूस सरकार। जिस प्रकार से अब सार्वजनिक पटल पर
समाचार पत्रों और पोर्टल की खबरों से।